अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडी लाइफ स्टाइल बाय सामिया। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बेबी के लिए बहुत ही प्यारे से और बहुत ही ट्रेडिशनल से ड्रेसेस के आइडियाज़ लेकर आई हूँ। आप अपने किड्स के लिए रेडीमेड ड्रेसेस के अलावा ख़ुद स्टिचिंग करना चाह रहे हैं आप ड्रेस लेके, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। आप अपने बेबीज़ के लिए कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, जिस भी सीज़न में आप चाहें ऐसे डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। आप विंटर्स में चाहें तो विंटर्स में भी करवा सकते हैं। स्मॉल प्रिंटेड में आपको फैब्रिक मिल जाता है मार्केट से इजीली, जो कि किड्स के लिए होता है। आप वो बाय करके और उसके ऊपर आप हल्की सी डिज़ाइनिंग करके उसे बहुत प्यारा सा बना सकते हैं। इसमें आपको फ़्रॉक्स के भी आइडियाज़ मिलेंगे, आप अपने किड्स के लिए फ़्रॉक बनवा सकते हैं। विंटर्स में आपको ऐसा फैब्रिक इजीली मिल जाता है, आप वो फैब्रिक लेके और ऊपर आप ऐसे फ्रिल वगैरह बना के लगा सकते हैं। आपको जो भी आइडियाज़ पसंद आ रहा है आप वो विंटर में भी अपनी बेबी के लिए फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आपके लिए कोई भी डिज़ाइनिंग करना मुश्किल नहीं होगा, आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं फ्रॉक पर। अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती है और आप अच्छी स्टिचिंग नहीं करते तो आप जिसे स्टिच करवाते हैं आप उनसे अपनी बेबी के लिए फ़्रॉक रेडी करवा सकते हैं। देखिए, आप ऐसे क्लिप्स वगैरह बना के वो लगा सकते हैं फ्रॉक्स पे, फ्रिल आप बनवा सकते हैं। आप फ्रिल चाहें तो स्लीव्स वगैरह पे लगा सकते हैं, या फिर आप फ्रॉक के दामन पे भी ऐसे फ्रिल्स वगैरह बना सकते हैं। देखिए, बहुत प्यारी सी बो बनी हुई है, आजकल बो का बहुत ट्रेंड है। आप अपनी बेबी के फ्रॉक पर भी ऐसे बो बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप गाउन स्टाइल में फ़्रॉक बनवा लें और नीचे आप खुला फ्लैपर बनवा सकते हैं। देखिए, इस पर भी सिंपल चुनट्स हैं और आप भी ऐसे फ्रिल अपने स्लीव्स पे लगा सकते हैं। और कटवर्क का भी बहुत ट्रेंड है, आप फ्रॉक इन जैसे कटवर्क करवा सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर जैकेट वगैरह स्टाइलिश ही बनवा लें। अगर आप थोड़ा फैंसी चाह रहे हैं तो आप फ्रॉक प्लेन बनवा के और फैंसी फैब्रिक की आप ऊपर जैकेट्स वगैरह बनवा सकती हैं। देखिए, साथ कैप्री पे भी फ्रिल है, आप ऐसे कैपरी पे भी फ्रिल बनवा सकते हैं। अगर आप थोड़ा ट्रेडिशनल लुक की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप नीचे खुला प्लाजो बना के और ऐसे आप ओपन स्टाइल में शर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर समर में पहनना चाह रहे हैं तो आप चिकनकारी का फैब्रिक लेके उसकी फ्रॉक या शर्ट आप शॉर्ट बनवा सकते हैं। देखें, साथ आप चाहें तो कोई भी आप फ्रॉक के साथ टाइट्स वगैरह पहना सकते हैं, अगर तो विंटर्स हैं। अगर समर्स हैं तो आप शॉर्ट वगैरह भी पहना सकते हैं फ्रॉक के साथ। अगर आपके पास कोई फैब्रिक है और आप उस पर डिज़ाइनिंग करना चाह रही हैं तो आप लेसेस वगैरह लगा सकते हैं। आप लेसेस नेक लाइन पे लगा लें या फिर आप शर्ट के दामन पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेन फैब्रिक की बो लगा के वो आप प्रिंटेड फैब्रिक पर लगा सकते हैं। आप चुनर्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्केट से ऐसे प्रिंट्स मिल जाते हैं जो कि बहुत क्यूट्स होते हैं, आप वो लेके और आप सिंपल फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं पसंद है तो आप जस्ट सिंपल फ्रॉक बना के और साथ आप कैप्री स्टिच कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे आपको मार्केट से इजीली फैब्रिक मिल जाता है। आप ऐसे डबल शेड में चाहें तो फैब्रिक लेके और आप ऐसे नीचे चुनर्स डाल सकते हैं। बेबी गर्ल के लिए आप पिंक के साथ कोई भी लाइट कलर का कंट्रास्ट कर सकते हैं। देखें, ऐसे कलरफुल बहुत क्यूट लग रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब आइडियाज़ बहुत पसंद आएंगे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।